आप एटीएम में जाते हैं, एटीएम कार्ड लगाते हैं, बैलेंस निकालने के लिए जैसे ही पिन डालते हैं आपके अकाउंट से पैसा डिडक्शन का मैसेज आता है, लेकिन एटीएम से पैसा नहीं निकलता है। अब आप आ जाएंगे टेंशन में, क्योंकि बैंक तो पैसा रिटर्न देने वाला नहीं है, तो कैसे आपके अकाउंट में फिर से पैसा आएगा, क्योंकि आपके पास तो कैश निकला ही नहीं, आपको पैसा मिला ही नहीं, लेकिन पैसा तो एक तरह से आपके अकाउंट से चला गया। अब बैंक आपको जो नौटंकी करना शुरू कर देगा। तो कुछ ऐसे स्टेप है जिसको पूरा देखिए, स्टेप को फॉलो करिएगा, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अदरवाइज बैंक को जुर्माना देना पड़ सकता है 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, जितने दिन में रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन इसके लिए आपको जो है लीगली मजबूत करना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत होना पड़ेगा। तो कौन कौन सा स्टेप उठाए जो कल के डेट में बैंक डर जाए आपसे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए होता यह है, बैंक हमेशा कोशिश में करता रहता है कि आपका फेल्योर बता करके वो पैसे देने से मना कर दे, अगर कहीं पर भी कोई फ्रॉड होता है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होता है। जैसे कि इस केस में अगर एटीएम से पैसा नहीं निकला और आपके अकाउंट से पैसा कट गया, तो ये भी कह देगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपको प्रूफ करना पड़ सकता है। पहली बात, एटीएम में कैश नहीं रहे और इसके बाद भी बता दे, तो एटीएम का प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, सर्वर का प्रॉब्लम हो सकता है, ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम भी हो सकता है कि यहाँ से जो है पैसे निकलने तक तो ऑथेंटिकेशन हो पाए, लेकिन जब तक एटीएम जो है मतलब पैसे भेजेगा, मतलब कि निकालेगा बाहर मशीन से, तब तक ऑथेंटिकेशन फेल हो सकता है, मतलब जिसको टेक्निकल प्रॉब्लम कह सकते हैं, एटसेट्रा, बहुत सारे रीजन होते हैं। अब ऐसे कंडीशन में आपको अपने आप को कहाँ पे मजबूत करना पड़ेगा, तो ये बात समझ लीजिए। सबसे पहली बात कि अगर आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया है और एटीएम से पैसा नहीं निकला है, तो एटीएम पर्ची तो इजेक्ट करता है ना बैलेंस के लिए, तो वो पर्ची आप जरूर रख ले। लेकिन अभी के केस में मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ जो एकदम रियल और प्रैक्टिकली है, कि बहुत सारे एटीएम मशीन से जो है पर्ची नहीं निकलता है। हम लोग ये सोचते हैं पर्ची निकाल के भी क्या करेंगे और बहुत सारे दिक्कतें हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करें, तो उस कंडीशन के लिए आपके पास रहेगा अकाउंट का स्टेटमेंट, बहुत जरूरी हो जाता है। और आपको बैंक ये कहता है कि 7 दिन के अंदर अंदर पैसा रिटर्न कर देगा अगर आप कॉल करेंगे टोल फ्री नंबर वाले पे, लेकिन उसके भरोसे ना रहे, आपको एकदम बहुत अच्छे तरह से मजबूती में जाना पड़ेगा। और आपको कल हो करके मतलब 72 घंटे के अंदर में, लेकिन कोशिश करिए कि आप मान लीजिए किसी दिन सैटरडे हो गया, संडे हो गया, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ऐसे कंडीशन में आपका जिस दिन वर्किंग डे रहे, जिस दिन ये घटना हो, उसके अगले वर्किंग डे जा करके बैंक में रिटर्न कंप्लेन दे। और याद रखिएगा, सिर्फ कंप्लेन रिटर्न दे रहे हैं ना, पूरा डिटेल टाइमिंग मेंशन तो करिएगा ही करिएगा। आप अपने अकाउंट स्टेटमेंट का जो है एक तरह से जीरोक्स कर सकते हैं, या प्रिंट आउट भी उसमें अटैच कर दीजिएगा कि किस टाइम पीरियड में और किस एटीएम से हुआ है। अगर अदर बैंक का एटीएम है तो वो भी मेंशन आपको करना पड़ेगा, सेम बैंक का है तो आपको कोई दिक्कत ज्यादा नहीं झेलने को पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद जो गलती लोग करता है, लोग रिसीविंग नहीं लेता है। अब आपको बता देता हूँ, जो लोग को पूरा जानकारी नहीं रहता है, बैंक मैनेजर या स्टाफ या जो बैंक का कोई भी स्टाफ जो रिसीविंग को देना है जिसको, वो नौटंकी करने लगता है, वो देता नहीं है, रिसीविंग नहीं देना चाहता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर रिसीविंग दे दिया, मतलब कि जो भी आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं उसका फोटोकॉपी करा करके, और उसको कहिए कि इस पे रिसीविंग के लिए लिख देने के लिए साइन और मोहर मरवा लीजिएगा, वो कॉपी आप रख लीजिए। अगर इन केस अगर आपको रिसीविंग नहीं देता है, तो आप दो काम करना है। पहला कि आपको तुरंत जाना है मैनेजर के पास, अगर दूसरा स्टाफ नौटंकी कर रहा है तो मैनेजर के केबिन में जाइए, ऑफिस में जाइए, उसको बताइए। अगर उससे भी रिसीविंग नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे दे दीजिए, मत लीजिए रिसीविंग, नहीं दे रहा है कोई बात नहीं, कंप्लेन दर्ज करवा दीजिए। अब आपके पास तो कोई प्रूफ होना चाहिए ना कि आपने कंप्लेन दर्ज कराई, वो तो बैंक का स्टाफ है और बैंक के फेवर में ही काम करेगा। तो आप क्या करें, जिस भी बैंक में ये हुआ है, हर बैंक के वेबसाइट पे जो है कंप्लेन दर्ज करने का पोर्टल आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार है, होगा ही होगा हर हाल में, वहाँ आप कंप्लेन जरूर दर्ज करें, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन दर्ज करें। आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, आपके मोबाइल पे टिकट जनरेट होगा, वो आईडी भी रहेगा, तो एक प्रूफ वो हो गया। दूसरा क्या करें, इसके बाद स्टेप है कि इसके बैंक के साथ साथ बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट कस्टमर केयर वाला होगा, मतलब वेबसाइट पे ऑफिशियल वेबसाइट पे कस्टमर केयर का ईमेल आईडी होगा, उस ईमेल आईडी पे पूरा कंप्लेन जो आप रिटर्न में दिए है ना, उसका ही पूरा डिटेल जो है वहाँ पे मेल करके रख दे। अब इतने में क्या होगा, बैंक के पास जो है थोड़ा सा अब दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अगर वो आपके प्रॉब्लम को रिसॉल्व नहीं करता है, पैसे वापस नहीं करता है, तब आप जो है आरबीआई पे जाकर के कंप्लेन कर देंगे, तो बैंक के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। और इससे भी नहीं हो और अमाउंट आपका हैवी हो, या आपका मन हो कि बैंक से जुर्माना के साथ वसूलना है, अगर ऐसा मन हो और वास्तविक है आपका कमाया हुआ पैसा है, चाहे 5 रुपया हो, 10 रुपया, 500, 5 लाख हो या 50 लाख हो, उससे कोई मतलब नहीं है,
आपका कमाया हुआ पैसा है, अगर बैंक नहीं देता है तो लास्ट में कंज्यूमर कोर्ट है। अगर कंज्यूमर कोर्ट के पास पहुंच गए और आपने प्रूफ कर दिया ये सब चीज लेकर के, तो पता है बैंक के क्या होगा। तो बैंक को जुर्माना के साथ साथ जो है ना, ये जो भी आपने मतलब कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए जो भी आप पैसा खर्चा हो वो सब पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। वो जो जुर्माना है ना कि 100 रुपये रोज के हिसाब से, एक सप्ताह के अंदर अंदर नहीं किया रिटर्न तो 100 रुपये रोज के हिसाब से जिस दिन ये फैसला आएगा उस दिन तक का उसको जुर्माना देना पड़ेगा। और आप मेंटली डिस्टर्ब हुए, आप परेशान हुए, आपका काम छूटा, बहुत सारे चीज़ के लिए आप परेशानी झेलना पड़ा, उसका पैसा बैंक को ऊपर से देना पड़ेगा। तो सब चीज़ का लास्ट में कंज्यूमर कोर्ट तो है ही, लेकिन इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए कि इन केस अगर एटीएम से पैसा नहीं निकलता है और पैसा डिडक्ट हो जाता है और एक सप्ताह के अंदर अंदर पैसा आपको रिटर्न नहीं करे बैंक, तो आप क्या क्या बैंक के साथ कर सकते हैं, आपका लीगल राइट क्या है। ये इन्फॉर्मेशन हर एक के साथ शेयर होना चाहिए, अपने देश में जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया। तो मैंने वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया, अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हो, व्हाट्सएप पे हो या जो भी सोशल मीडिया हो उस पर इस वीडियो को शेयर कर दे।